हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास यूकेजी हिंदी फर्स्ट टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-2025 के लिए क्वेश्चन पेपर है। और रिटर्न पेपर का जो मार्क्स होता है मैक्सिमम मार्क्स वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों का आता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ हिंदी के वो सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी जो बच्चों से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इससे पहले मैंने मैथ के एग्जाम पेपर शेयर किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है कहाँ से लेके ज्ञा तक लिखो। यहाँ बच्चों को क्या करना है, कहाँ से लेके ज्ञा तक बिना देखे लिखना है। बच्चे ने नर्सरी LKG में ये चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ताकि बच्चे का जो व्यंजक है वो अच्छे से बच्चा प्रैक्टिस कर सके, तो वो उसको करना होता है। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भरो। यहाँ पर दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले शब्द बच्चों को कराए जाते हैं UKG की क्लास में। तो यहाँ बच्चों को क्या करना है, पढ़ते हुए जो भी ब्लैंक है उसे पूरा करना है। जैसे क ब्लैंक ल, तो यहाँ क म ल कमल बनेगा। ये च म फिर ब्लैंक है तो क चमक। तो यहाँ बच्चों को ये अभ्यास ऑलरेडी बच्चों को क्लास में करवाया जाता है और वही सारे ही अक्षर बच्चों को दिए जाते हैं, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले शब्द। तो वो शब्द आप बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। अगला जो प्रश्न है वो है बाद वाला अक्षर लिखो। यहाँ पर बच्चों को बाद वाला अक्षर लिखना है। जैसे गा के बाद क्या आता है, गा के बाद आता है घा, घा से घर, माँ से मछली, या से यज्ञ। इस तरीके से बच्चों को का से ज्ञा के बीच में अक्षर देना है ताकि बच्चे अच्छे से अक्षरों का अभ्यास कर सकें। क्योंकि जब बच्चों को अच्छे से अक्षर बच्चों को आइडेंटिफाई रहेगा, बच्चे अच्छे से पहचान पाएगा, तभी वो आगे दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले शब्दों को अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इसलिए UKG में इसको अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। अगला प्रश्न है चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब यहाँ पर बच्चों को चित्र देने हैं, वही चित्र आपको देने हैं जो क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो ये क्या है, कप, क प कप। ये है कमल, सड़क, शलगम, शलगम, शलगम। तो इस तरीके से घर, जड़, नयन, बटन, मटर, जग। तो दो, तीन, चार अक्षर वाले जितने भी चित्र हैं वो बच्चे को आप प्रैक्टिस कराएं बच्चों की बुक के अकॉर्डिंग। वही सारे जो चित्र हैं वो बच्चों को एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है बच्चों का। अगला जो प्रश्न है वो है अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ बच्चों को अक्षर को जोड़ना है, एक शब्द बनाना। जैसे क ल म, हमने इनको जोड़ा तो क्या बन गया, कलम। न ट ख ट नट खट, नट खट, नट खट। तो यहाँ दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्द आप दें और बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। इसका एक क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है मिलान करो। यहाँ मिलान जो है वो अक्षर नंबर का है। हिंदी में जो गिनती बोलते हैं वो UKG में सिखाया जाता है, 1 से 10 के बीच में। तो यहाँ हाफ फेल एग्ज़ाम में 1 से लेकर 5 तक आते हैं। तो यहाँ बच्चों को क्या करना है, गिनती को उसके हिंदी में कैसे बोलते थे, एक कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो यहाँ पर मैच करना है। लाइक एक, एक, दो, दा पे मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा दो। इतनी तरीके से 1 से लेकर 5 तक की गिनती के बच्चों को अभ्यास कराया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ की मात्रा वाले शब्द पर घेरा बनाओ। हाफ फेल एग्ज़ाम तक बच्चों का आ के जो मात्रा है वो कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ बच्चों को क्या करना है, जो मात्रा है आ की मात्रा उसे पहचानना है और शब्द पे घेरा बनाना है। जैसे इस लाइन में यहाँ आ की मात्रा लगी है तो बच्चा घेरा बनाएगा, राम, बादल, बादल। तो यहाँ बच्चे को क्या करना है, आ की मात्रा वाले जो शब्द है उसे पहचानना है, उस पर क्या बनाना है, गोला बनाना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है बच्चों का। अगला जो प्रश्न है वो है चित्र को सही शब्द से मिलान करो। यहाँ पर चित्र है वन साइड शब्द है। जैसे ये किस चीज़ का चित्र है, कमल, तो कमल कहाँ लिखा है, ये कमल। तो इस तरीके से बच्चों को चित्र को देखना है और सही जो शब्द हैं उससे मिलान करना है। ये सारे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जो है क्वेश्चन, ये सारे रिटर्न क्वेश्चन, रिटर्न क्वेश्चन के साथ साथ ये सभी रिटर्न क्वेश्चन आपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को कुछ ओरल कराए जाते हैं। तो ओरल क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो हिंदी मौखिक में क्या आता है,
कहाँ से लेके गया तक बच्चों को ओरल सुनाना होता है। हिंदी कविताएं जो बच्चों के स्कूल में, जैसे अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती हैं नस राइम्स की, तो जो बच्चों को हिंदी कविताएं सिखाई जाती हैं, जैसे मेरी माँ, एक चिड़िया के बच्चे चार, तो ऐसे दो कविताएं बच्चों को आपको याद करानी है अपने बच्चे के स्कूल के बुक के हिसाब से, और दो तीन व चार अक्षर के शब्दों का बच्चों को पढ़ना, इसका अभ्यास अच्छे से कराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओरल में बच्चों से कराई जाती हैं। और यहाँ ओरल के बच्चों को ग्रेड मिलते हैं, लाइक ए बी सी, जैसा बच्चा परफॉर्म करता है ओरल में उस हिसाब से बच्चों को ग्रेड दी जाती हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रोरल प्लस रिटर्न क्वेश्चन, आप वन बाई वन अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें। और आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।